अंबाला के अनाज मंडी में धान का उठान सही तरीके से न होने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि किसानों को फसल मंडी से बाहर सड़कों और मैदान में रखनी पड़ रही है। यदि मौसम खराब होता है तो इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के फसल का भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है। अधिकारियों दावा है कि किसानों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसान पहले पूरे साल फसल की राखी करता है, उसके बाद फसल किसान की मेहनत से पक जाती है तो उसे बेचने मंडी में लाता है, लेकिन मंडी की व्यवस्था किसान की चिंता को बढ़ा देती है, जिससे किसान को कटी हुई फसल की देखरेख भी करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ बीते दिन देखने को मिला अंबाला के किसानों के साथ, जिन्हें अनाज मंडी के अंदर जगह न मिलने के चलते अपनी फसल को मैदान या सड़कों पर रखना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान दिन रात फसल की देखरेख करने में जुटे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनाज मंडी के अंदर धान की ढेर लग चुके हैं और फसल का उठान सही समय पर और तेजी से नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि इसके चलते उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सर, मंडी में जगह नहीं है, अंदर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अंदर मंडी में धान गिरने की जगह नहीं मिलती, बाकी यहाँ पे गेट पास के लिए भी हमें खड़ा होना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, और इसलिए फसल गिरने की जगह नहीं है, दिक्कत बहुत है। मैं नहीं गिरी जी, कल की चीज़ मेरी पड़ी मंडी में जगह नहीं थी, मैं गिर नहीं इस करका जहाँ गिरी है कि भी जब मंडी में जगह नहीं गिरी, कल की चीज़ गिरी भी ना गेट पास हो रहा मेरा, ठीक है। अच्छा ऐसे है, इस पर नुकसान हो रहा मेरा, मैं यहाँ पढ़ा रात में यहाँ पढ़िया, मैं ना रोटी मिला ना पानी मिला ना, मैं परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा। मैं हम 10 दिन पहले जीरी बेच के गए थे, या सरकार कह रही है अभी पेमेंट दे देंगे, पेमेंट वोमेंट कुछ नहीं है, यहाँ जीरी बरान हो रही है, पल्लड़ पटे हुए हैं, पानी की व्यवस्था कोई नहीं है, धुप मर रहे हैं, रोटी के पानी का कोई जुगाड़ नहीं है, रेडी रूडी ना कुछ भी नहीं है, लाग मतलब जीरी खराब हो रही है, पेमेंट वोमेंट कोई नहीं है, 10 दिन हो गए जीरी बेची नु। जहां अभी तक मंडियों के अंदर व्यवस्था सरकार की कई कोशिशों और दावों के बाद भी नहीं सुधरी, वहीं किसानों की पेमेंट 12 घंटों के अंदर किए जाने के दावे भी गलत साबित होते दिख रहे हैं। अंबाला में किसानों से हमने पेमेंट को लेकर बात की तो किसानों ने बताया उन्हें फसल बेचे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार कह रही है जी 72 घंटे पेमेंट करांगे जी, पेमेंट बिल्कुल नहीं आई है जी, 10 दिन पहले गिरा गया था जी, हमारे कोई जहाँ जे फार्म कटा जी, ना हमारी कोई पेमेंट आई जी, ना कोई पानी की यहाँ व्यवस्था जी, महामंडी में तो सारा भरया पड़ा जी, पक्की मंडी में उरा जी मारा बुरा हाल आ, पल्लड़ा पा गिर रहे जी, सारी जीरी तला जा रही है, कोई पुछण नहीं आ रहा, कोई गिण नहीं आ रहा, ना उरा पानी ना धानी जी, बुरा हाल आ जी। हाँ जी, सरकार कह रही ना 72 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगी, मेरे को आज 10 दिन हो गए जी, मेरा कोई जे फार्म नहीं बनया, कोई पेमेंट नहीं हुई, मैं 10-12 दिन हो गए जी बरान होते को, सरकार के सारे दावे झूठे हैं, कुछ नहीं जी हुए अब तक, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल 5 दिन हो गए बेची को, कोई पेमेंट आई थी गवर्नमेंट 72 घंटे में पै देगी और कोई पेमेंट नहीं पड़ी, जिमीदार नू पैसे की लोड़ आ, किसी ने खाद लेना, किसी ने बीज लेना, कोई सुनाई नहीं हो रही, जिमीदार सारा परेशान हो रहा बहुत ज़्यादा। क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है भी जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट पा दे। मैनू अपनी फसल बेचे नू अज 4 दिन हो गए और मेरे खाते में अब तक कोई पेमेंट नहीं आई, सरकार कह रही अभी 3 दिन में तेरे सारे खाते में पैसे आ जाएंगे, कोई पेमेंट नहीं आई। क्या मांग है सरकार से? सरकार तो यही मांग है भी जल्द से जल्द हमारे खाते में पेमेंट आनी चाहिए। किसानों की फसल उठान को लेकर आ रही दिक्कत को लेकर अधिकारियों का दावा है कि 70% फसल का उठान हो चुका है, जल्द ही लिफ्टिंग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं किसान फसल की पेमेंट को लेकर जिला खाद एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि पोर्टल नया होने की वजह से दिक्कतें आई हैं, लेकिन जल्द किसानों की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। इसमें जैसे उठान है ऑल एजेंसीज का है जो हमारा 70% हो चुका है, उसमें हैफेड भी है, वेयर हाउस भी है, DFSC भी है, सभी में 70% उठान हो चुका है और पूरी प्रक्रिया हमारी चालू है भी 100% उठान हम जल्दी से जल्दी करें। कुछ छोट मोट समस्याएं आ रही हैं, वो पूर्णतः हम उठान कर देंगे, किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अंबाला से BS गुलानी की रिपोर्ट।